जो आया था वो मेरे को इतना जमा नहीं, तो वी हैव यू नो डन द ग्लॉस ब्लैक। आई होप आप लोगों का गाइस अच्छा लगा होगा यार। बस जी वैगन का डिफेंडर है ना, इसी तरह दबा देता हूँ। जल्दी जल्दी बता, ये ऊंची गाड़ी पे मैं नीचे गिर गई। रात के 2 बज रहे हैं और वी आर गोइंग टू लोनावला। रास्ते मुझे नया खिलौना मिल गया, ये देखो। जस्ट लुक एट दिस। सबसे कम स्किप करके इधर आया है। गाइस व्हाट्स अप? ओ मैडम, से हाय। हाय, व्हाट्स अप? सो वेयर आर वी गोइंग टुडे? वी आर गोइंग, सो इफ यू गाइस रिमेंबर आई टोल्ड समथिंग इन द लास्ट व्लॉग, मैंने कुछ बताया था। सबसे पहला सरप्राइज मेरा डिफेंडर मॉडिफाई होने गया है, तो डिफेंडर इतना मस्त हो के आएगा ना, मुझे आप लोगों को दिखाने का इतना एक्साइट। अपन ने बहुत क्रेजी बनाया डिफेंडर को, सो वी आर गोइंग टू कुछ चीज अभी भी पेंडिंग है उसमें करना, लेकिन इट्स लुकिंग इनसेन। आई थिंक इतना डोप तो मुझे लगता नहीं अभी कोई होगा इंडिया में डिफेंडर। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइज। एंड फाइनली आज इस औरत ने ज्वाइन किया है। एंड टुडे यू आर नो अनइंटेंशनली ब्लैक एंड दिस। ओह या एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज्ड। एंड गाइस टुमारो वी आर लीविंग फॉर Bangalore. Yes. Tomorrow we are leaving for Bangalore and for we are taking our second wedding anniversary. Yes, that's on 29th of November this month. So we are super excited. दो साल इस गाड़ी के साथ। But ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए ब्लॉग में। पता ही अपन तो सब सच ही बोलते हैं। Hi, what's up? We are back here again. जहाँ पे हमने A45 का new color भी लिया। Yes. Now, yes. Actually, we have wrapped the color red. Which we? Guys, it's gonna be insane. अभी मैं आपको बता ही आता था कि कितना insane है यार। I can't be more excited. अभी तो मंडा best review. Next review. इसने तो बोला था कि नहीं अच्छा ही लगा, बट आई टोल्ड हर कि जब आप देखोगे तब समझे। एंड इट्स लुकिंग इनसेन। ऑल थैंक्स टू कुणाल जो इतना मस्त काम किया। द सॉर्ट ऑफ कस्टम ऑलवेज। आई विल शो यू फ्रॉम द साइड। So if you guys see all the wheel arches, so basically we have got the Luma body kit. It's not that wide comparatively, it's the same, but theek hai. So we have changed the bumper. Ye Luma body kit mein aata hai actually, to humne ye bhi change kiya hai. So it has 2 dials and then I have got the roof light. Luma body kit ka ye sare parts. अभी मेरा हुड पेंडिंग है, मैं हुड भी लगाया हूँ मोस्टली। व्हील आर्चेस भी लूमा बॉडी किट के साथ आया, बट इट्स नॉट दैट बिग। ठीक है, मैंने व्हील्स व्हील जो मेरा 75th एनिवर्सरी में जो आया था वो मेरे को इतना जमा नहीं, तो वी हैव यू नो डन द ग्लॉस ब्लैक। ओके, सो द रूफ इज फुल ब्लैक, रूफ इज ऑल्सो ग्लॉस ब्लैक एज यू नो, फुल ड्यूल टोन। देन मैंने इसको भी ग्लॉस ब्लैक करा लिया। जस्ट लुक एट दिस गाइस, इट लुक्स इनसेन। व्हील कैप भी अभी दिखा नहीं सकता, बहुत पीछे लगा, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर। स्पॉइलर पेंडिंग है अभी, बस ये एक स्पॉइलर लगाने का है अभी। जस्ट लुक एट दिस गाइस, मतलब मुझे तो प्यार आ गया भाई, क्या लग रहा है ये, जस्ट लुक्स इनसेन। आई होप यू गाइज लाइक इट। अभी आपको मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि कितना मस्त लग रहा है ये। बेसिकली जो रूफ लाइट लगा है उसके साथ ये आता है, तो लाइक नॉर्मली जो मैंने जी वैगन में लगाया उसमें स्विच देना पड़ता है, बट इसमें ये आया है, फ्रॉम द बटन आई कैन स्विच ऑन द रूफ लाइट। और फिर इसी से यू कैन स्विच इट ऑफ। लुक्स इनसेन है, मतलब मुझे तो एकदम प्यार हो गया भाई इससे। ऑल थैंक्स टू ऑटो कस्टम। And guys, they do the best job. Be it detailing, be it wrap, be it PPF. And I think, आप लोग modification भी किया है ना अभी? We are trying to add, sorry, punch.
ब्लैक करने के बाद इट्स लुकिंग मोर ह्यूज right now the lowest setting, but the car is actually the lowest. Can you lift it? Ek bar lights on karna. Wait for the lift. It's gonna look amazing. The difference. But now I can say कि ये अब G wagon से huge लग रही है. मैंने तो पहले बोला था कि G wagon से huge है, पर तू मानती नहीं है. But G wagon is more boxy and nice, ना. This is also very nice. Okay, right, G-Wagon and this car out of 10. I would always prefer this. How about you? I'll prefer G-Wagon. Even I'll prefer G-Wagon. But if you want to do off-roading, I think Defender ke aage mat koi. But if you want to like flex and you know, you understand what I'm trying to say. You know some record they broke? Record F-Pace, Jaguar F-Type, sorry. 360 loop, back-to-back, 360 loops. F-Type? Yes. F-Pace, no, that SUV, which is that SUV? So, we do cheese pending in the sidestep because my dad faces some issue while, you know, because if you see, if you... Even I face a lot of issues with our people. तू तो खैर बहुत छोटी है हाइट में, बट अगर आप अभी नोटिस करोगे तो अभी ये अपने मैक्सिमम हाइट पे, मतलब अभी ये इससे ऊपर तो हो नहीं सकता. तो प्रॉब्लम क्या होता है, अभी साइड स्टेप तो ऑर्डर किया हुआ है, तो वो एक पेंडिंग है इसमें लगाना. मैंने इसके लिए कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील भी मंगाया है, वो भी एक पेंडिंग है. दो चीज पेंडिंग है. सो दिस इज अ व्हील कैप, स्पॉइलर खाली एक बाकी है. पीछे एग्जॉस्ट स्ट्रिप भी है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ डीजल सो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट ठीक है. किट के साथ आया था, लूमा बॉडी किट लगाया मैंने, तो उसके साथ ही आया था ये, तो ठीक है, कोई बात नहीं. इसको मोस्टली मेरे को ग्लॉस ब्लैक कराना चाहिए था, बट मे बी नेक्स्ट टाइम. बहुत ज्यादा है भाई, हॉट लग रहे हो, डोंट वरी. क्यू टू हमारे रोड ट्रिप के लिए कल ही निकलना है. हम दोनों फाइट करते हैं, फिर ब्लॉग खत्म करते हैं. आप लोग हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा ब्लॉग डाला करो. विल ट्राई टू मेक श्योर नाउ. इसको बोलो प्लीज श्रेया जी को, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूं. सी इज द वन हु इज इतना रोस्ट होती हूं ना वीडियोस में कि मैं एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाती हूं, फिर वो तो मुझे नहीं. सी इज द वन हु इज लेट बैक, नॉट मी. और अब हां, सो भी हमारे अमित को कंफ्यूजन हो गया है कि अभी क्या करना चाहिए. इफ यू सी, वैसे भी क्या ही फ्यूल का सोचे, बट इट्स pretty good. 15 kilometers in 100 liters, that's 7 kilometer per liter, right? So which is good and diesel hai, to ye kafi acha hai us hisab se to. And if you see G wagon agar compare kare to highways pe kitne ka average deti hai, 5 6 ka. Ha, G wagon to kafi kam hai. वही, और ऊपर से पेट्रोल ना, तो पेट्रोल का प्राइस भी, डीजल भी महंगा है आज के टाइम पे. ऑफ कोर्स, बट फिर भी इफ यू सी कंपेयर करो तो दिस इज मोर मच बेटर. I remember a time when diesel used to be 40, somewhere 40, 47. कब? तू गाड़ी चलाता था उस टाइम पे? नहीं, बाइक चलाता था. I was a biker before. अच्छा, हो. मुझे तो आप लोग को एक नया इन्फॉर्मेशन मिल गया भाई. तो I used to love bikes. मुझे बाइक्स का पहले बहुत शौक था. So yeah, that's what it is. आप लोग बताना मुझे कि क्या हमको मतलब शेयर सेइंग कि ये स्टीयरिंग व्हील चेंज नहीं कराने का, उसको यही वाला स्टीयरिंग व्हील अच्छा लगा है, तो क्या मुझे कराना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, वो पहुंचने वाला है. ये बहुत रॉ है. सी इफ यू सी दिस एंटायर थिंग इज एकदम मैट, यू नो, इफ यू कैन सी मैट ब्लैक. तो अगर इस पे वो CF स्टीयरिंग व्हील लगाएगा तो वो अच्छा भी नहीं, थोड़ा ऑड लगेगा. हल्का ऑड लग सकता है. वैसे तो कार कंप्लीट हो गया गाइस, मैंने इसमें, आप लोग पूछो उससे पहले बता देता हूँ, लूमा करके कंपनी है, उसका मैंने बॉडी किट लगाया.
है, सब कुछ इसमें उसका लगा हुआ है। एक चीज दो चीज बाकी था, एक साइड स्टेप और एक स्पॉइलर और एक स्टेयरिंग व्हील, तीन चीज एक्चुअली। तो स्पॉइलर तो मैं लगा ही लूंगा कुछ दिनों में, स्टेयरिंग व्हील ऑन द वे, बट आई थिंक श्रेया इज सेइंग कि नहीं लगाना चाहिए, तो मोस्टली स्टेयरिंग व्हील मैं कैंसिल कर दूंगा। एंड साइड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डैड को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप इसको लिफ्ट कर देते हो ना गाइस, ये जी वैगन से बहुत ऊंचा, जब आप लिफ्ट करते, लेकिन जब आप इसको नॉर्मल, अगर इसको अगर नॉर्मल इसको मैंने लो कर दिया ना, तो ये फिर बहुत छोटा भी है, वैसा सीन है इसके साथ। और स्पॉइलर लगाना जरूरी है गाइस, इट्स सो कंफर्टेबल टू ड्राइव ना, आई एम सो कंफर्टेबल टू इवन सिट, आई मीन लुक एट द स्पेस और इवन डिफेंडर, अगर मुझे बोलोगे ना डिफेंडर का रेटिंग, डिफेंडर का रेटिंग मैं अगर मेरे को आप बोलोगे ना 10 आउट, मैं 9 स्टार तो उसको दूंगा ही दूंगा। एक अगर मैं उसको नहीं दूंगा, उसके पीछे एक रीजन है, आपको मैं बताता हूं क्या है। आई हैव सेड इट बिफोर इन द वीडियो, हल्का सा पावर लैक है, हल्का सा। इट्स नॉट अबाउट पावर ना, एनी फॉर मी एवरीथिंग इज अबाउट पावर, एवरीथिंग इज अबाउट, बट एज अ डीजल का इसका जो एंबुलेंस है, एंबुलेंस मतलब हम तो साइड में, बट कैन यू जस्ट ब्लॉक दिस लेन कि उसे जाने मिले। पता है तूने एक अकेली गाड़ी से तूने दो लेन ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक नहीं करूंगा तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? बट वो किया वाले को समझना चाहिए ना, व्हाट इज ही डूइंग। ये लोगों को देखो, इनको हर बारी होती है जल्दी जल्दी एम्बुलेंस के पीछे निकल जाए। मैं तो जैसे ही एम्बुलेंस देखता हूँ, मैं सब गाड़ी को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि एम्बुलेंस पहले जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज डू इट, मेक श्योर एम्बुलेंस गोज फर्स्ट। मैं तो हमेशा, मैं तो एक बार कभी अगर मेरे सामने ऐसा हुआ कि कोई एम्बुलेंस जाने नहीं देता, अगर मेरे पास जी वैगन या डिफेंडर है ना, इसी तरह दबा देता हूँ गाड़ी को, उसको पहले एम्बुलेंस से जाने दो आप। एक बार Z4 में मुझे याद है, हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे थे, बहुत रश था, लाइक पीक ट्रैफिक आ रहा, उस टाइम पे एक एम्बुलेंस अब ही लेजिट उसने गाड़ी Z4 बीच में छोड़ दी, और भाई तुम गाड़ी देखते देखते गाड़ी में घुस जाओगे। उसने गाड़ी बीच में लगा दी और मुझे गाड़ी से उतार दिया, बोला कि चलो अभी उधर, या तो तू ड्राइविंग सीट पे आके देख, और मैं, और उसने पूरा लेजिट पूरा रोड खाली कराया और एम्बुलेंस को जाने दिया। आई वाज लाइक अच्छा लड़का पसंद किया मैंने। आप लोग सबको ये चीज कहना चाहिए प्लीज, ये चीज हमेशा कहना, नो मैटर व्हाट। अब आप लोग बताओ और क्या कहना चाहिए, अभी तो सब कुछ कह दिया। कुछ भी नहीं, बहुत हॉट लग रही है गाड़ी तेरे जैसा। है तो है, पेट्रोल तो है नहीं, तो उसमें एग्जॉस्ट तो मैंने फेक एग्जॉस्ट ट्यूब्स लगाए अभी इसमें, तो वो एग्जॉस्ट होता तो फिर अलग बात होती, पर ठीक है। डीजल आई डिडंट वांट टू गो फॉर पेट्रोल बिकॉज ऑफ अगेन स्मॉलर इंजन, वांटेड अ बिगर इंजन, इट्स 3 लीटर, 2 लीटर लेके क्या करोगे? ऑनेस्टली डिफेंडर 2 लीटर डजंट मेक सेंस। मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग ये चीज लगता है, ऑडी Q2 गिव्स यू 4 लीटर इंजन ऑप्शन एंड योर डिफेंडर इज सच अ ह्यूज एंड अ बल्की कार, दे आर गिविंग यू व्हाट 2 लीटर इंजन। आई डोंट अंडरस्टैंड द माइंडसेट, मतलब ये सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा है कि ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज है। प्लीज बताना गाइस कमेंट सेक्शन में, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे सही करना, मुझे आइडिया नहीं इतना, बट इतना छोटा इंजन साइज नहीं होना चाहिए था इतना बल्कि कार के लिए। इसी रीजन से मैं पहले भी डिफेंडर नहीं ले रहा था। हाउ अबाउट G350D, उसका भी तो छोटा है। G350 इज अ गुड कार। Porsche Boxster 718 2 लीटर इंजन। हाँ 2 लीटर इंजन, बट अगेन सी इट्स बैड if you ask me, but it's not that bad comparatively. देखो अभी मैं एक चीज बता दूं, then you're going into a sports car line, you वो अलग हो गया। अभी I'm talking about SUV now, that's a different thing. So you can't just compare. Endeavor started doing 2.1, नहीं हमारा तो 3.2 है। Honestly, if you ask about G350D, I don't exactly know कितना उसका इंजन साइज है, but I've heard that it gives good average. Yeah. Average सही है उसका compared to G63. ऐसा जल्दी जल्दी बता। ये ऊंची गाड़ी पे मैं नीचे गिर गई। Guys. मैडम अभी निकली मस्त में और सीधा धाम से, अच्छा लगा? यू डिजर्व इट। गाइस मुझे तो प्यार हो गया भाई से, क्या लगा है यार, ये चॉइस बेस्ट। इसको तो पसंद नहीं आया था, बट मॉडिफिकेशन में ना यू आर नथिंग। बैठ जाएगी ना एक बार में वो। हे भगवान ही करे। सो गाइस अभी हम लोग ने श्रेया ने शैम्पू कराया, एंड जैसे कि आपको मालूम है कल हम लोग निकल रहे, तो मैंने भी हल्का हेयर कट वगैरह बियर्ड वगैरह कराया। सो यस अभी निकल रहे हैं हम लोग, अभी श्रेया चलाएगी, हम लोग मोस्टली जूहू जाए चाइनीज खाने, एंड उसके बाद फिर हम लोग लोनावला जाने का। सो लेट्स सी, यहाँ पे लाइट बहुत आया है गाइस, आई एम सो सॉरी, आई होप माई हेयर कट लुक्स गुड, बियर्ड भी ठीक ही लग रहा है, हल्का कट आ गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। मेरे साथ ना हमेशा होता है, जब भी ब्लेड लगता है ना कभी कभी, उनकी भी गलती नहीं होती है, हल्का सा यू नो एक दो जगह पे जो बाल ऐसे होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोए हुए जैसे भी, उससे आ जाता है, उनकी गलती नहीं होती है इसमें।
Damn, son. Looking like a wow. रात के 2 बज रहे हैं और वी गोइंग टू लोनावला. हमने बैंगलोर जाने से पहले सारा अपना सामान वामान ले लिया. वी थिंक हम एक्सप्रेस वे पे व्लॉग नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स ड्राइवर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट और वो डिस्ट्रैक्शन होता है. सो वी जस्ट केम हियर, गॉट स्टक इन ट्रैफिक. ये पूरा ट्रैफिक दिखा रहा है 22 किलोमीटर्स के लिए 1 hour 13 minutes. बट आज आप लोग को हम एक जो भी लोनावला आना चाहते हैं हम जो मुंबई से आए स्पेशली उनको ट्रैफिक अवॉइड करना क्योंकि घाट पे ट्रैफिक इज मतलब इट्स क्रेजी यार. और बस वाले ये सब ट्रक वाले देखते नहीं है. आपको क्या करना है वंस यू क्रॉस द टोल नाका. So once you cross the toll, you don't have to go straight. You don't have to go to the food hall. Just before the food hall, just show them. Yeah, right before the food hall, एक left आता है basically. I think, yeah. This one. थोड़ा टूटा फूटा ऊपर खाबर दस्ता है. So this, if you see the board says way to Khopoli. So if you see the food plaza is right ahead, and we took a turn before that. So this road might not be that good. As you मतलब जितना आप सोच रहे हो उतना अच्छा नहीं होगा बट इट कैन बी वेरी यूजफुल बिकॉज यू विल अवॉइड द फुल घाट का ट्रैफिक एंड इट्स गोना बी वेरी यूजफुल एंड आप अपना काफी टाइम बचाओगे क्योंकि घाट का जो ट्रैफिक है ना आजकल वो वर्स्ट हो गया है. बाय द वे फुल रास्ते मुझे नया खिलौना मिल गया. ये देखो जस्ट लुक एट दिस. ये देखो पूरा मतलब रोड लाइट अप हो जाता है. वी आर नॉट यूजिंग दिस बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू. By expressway we used it, but yeah. Oh my God, just look at the difference. Oh shit. Expressway पे भी only used where it was needed. जहाँ पे पूरा blank था. कुछ दिख ही नहीं आ रहा है. क्योंकि कुछ जगह expressway पे lights नहीं है. But it's very useful. For night driving अगर समझो कहीं पे जैसे रास्ते में light नहीं है, वहाँ पे ये बहुत useful है. भाई बहुत crazy चीज़ है. मुझे तो मतलब बोल तो रही हूँ नया खिलौना मिल गया. बहुत मजा आ रहा था. Let's keep it back now. Okay. ये ETA वापस similar दिखा रहा है. I'll show you the traffic which we skipped. But let's see what time we reach. And we have to leave early morning for Bangalore tomorrow. Whole day this man has to drive. All the best to him. And we decided on taking Defender or G-Wagon, जो मैं इससे पहले वाले मतलब पहले बोल रही थी. I think I'm more comfortable driving G-Wagon than this. I mean, this is a brilliant car, amazing. पर इसमें pedal shifters नहीं हैं. इनको realize हुआ बैठ के. मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे ऐसे सेट हो गया मेरे साथ. बट ठीक है इट्स एन अमेजिंग कार एंड एवरीथिंग. बट हाँ मेरे को थोड़ा हेल्प हो जाएगा व्हेन आई विल बी ड्राइविंग. सो आई थिंक विल टेक जी वैगन ओनली बिकॉज इट्स मोर हैंडी आई मीन ईजियर टू ड्राइव ऑफ कोर्स एंड इट्स वेरी बल्की. तो ना मुझे प्रॉपर जजमेंट ना जी वैगन का क्या ऑक्सी शेप है तो आई गेट प्रॉपर जजमेंट इन दैट. This I couldn't, of course I'm not used to it, I have not driven this car as much, but it's a very nice car, but G-Wagon. I judge Amit saying that, oh my god, tune kya kara diya, bilkul acha nahi lag raha hai, ye wo, blah blah blah. But turns out when I saw it in person, oh my god, it was amazing. This car looks amazing dual tone. Hum abhi ye wala traffic skip kar rahe hain, jisme hame pata nahi ki 2-10 ghante lag jaate hain. ये सारा ट्रैफिक स्किप करते हुए वी हैव कम हियर. या पहले मैप पे भी दिखा रहा था बट वी न्यू द वे तो हमें 2-3 टर्न्स लेने होते हैं वो सब लिए तो फिर जाके अभी जब ये रास्ते पे है तो ठीक है. उससे पहले हमें तो लाइक ट्रैफिक मिलने वाला है ये वो ऐसा वैसा. बट लकीली कभी कभी होता है उधर भी ट्रैफिक नो डाउट बट हमें लकीली आज नहीं मिला. इट वॉज अमेजिंग ऑफकोर्स द वेदर इज सो गुड ठंडा एकदम. हिल स्टेशन की ना बात ही अलग है.
मुझे तो वो लाइट ऑन करने का मन होता है, बट फिर आगे वाले ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होगा और हम लाइट नहीं ऑन कर सकते. बट लेजिट अभी ना वी वर टेकिंग टर्न्स, वो जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे पूरा अंधेरा था, लाइक एक गाड़ी नहीं कुछ नहीं, तो वी हैड पुट द लाइट ऑन एंड क्या मतलब आगे तक एकदम क्लियर दिख रहा था. क्या पावरफुल लाइट्स लगाया हमने, ये रूफ लाइट्स बहुत अमेजिंग है, बट सैडली वी कांट यूज इट एवरी नाउ एंड देन. वी ऑलमोस्ट रीच्ड अपने ETA से 45 मिनट्स पहले, ऑलमोस्ट एक घंटा पहले, विच इज अमेजिंग. तो हम घर जाके आराम से फ्रेशन अप होके सो पाएंगे टाइम पे और जल्दी उठ के निकल भी पाएंगे बैंगलोर के लिए, सो दैट वी डोंट गेट द सिटी ट्रैफिक जो पुणे ये सब पे हमें मिलता है, वो चीज़ अवॉइड करने के लिए वी हैव टू लीव ऑन टाइम, बिकॉज स्ट्रेट 900 किलोमीटर्स है यहाँ से. एंड ऑफकोर्स अमित हैज टू ड्राइव एंड द ड्राइवर्स हैव टू ड्राइव, तो वो लोग तो जल्दी जाके सो गए, बट वी बोथ आर लेट ऑफकोर्स. एंड आई एम गोना बी द पैसेंजर प्रिंसेस टुमारो. I'll try. Let's see if I can drive. I'll drive. But yeah, that's gonna be fun. And we're gonna be shooting. We'll try to take cinematic shots of this car. This is looking bomb and dual tone. I mean, it's amazing. So, hum try karte hain lene ka cinematic shots. If nahi, to we'll put it in our video. No, we'll put. I'll take the cinematic shots tomorrow and I'll add in the video. Kyunki raat mein utna acha dikhega nahi. सुबह में ना प्रॉपर वो व्यू और अपना ग्राउंड भी है, सो इट विल बी मच इजी फॉर मी टू टेक द शॉट. अच्छे से मैं वहाँ पे एक शॉट लूंगा और मैं वो वीडियो में अपलोड कर. सो यस एंड ऑल्सो गाइस द लाइट दैट हम लोग जो लगाए वो हम लोग कभी यूज नहीं करते, इट्स जस्ट टू शो यू गाइस कि उसका क्या पावर है, बिकॉज इट्स नॉट गुड. खाली रोड पे जब एकदम खाली रोड होता जब आगे कुछ भी नहीं होता, जैसे एक्सप्रेस वे पे कुछ कुछ जगह पे कुछ नहीं था लाइट, या तो कभी कभी जहाँ पे एकदम हुआ है ऐसे भी. चलो देन सेफ्टी फर्स्ट. See you all soon. I hope you love the vlog. We're gonna shoot completely. Jitna bhi like the entire Bangalore, Ooty, everything. Bangalore, Ooty, Tirupati Balaji pe darshan karna, and hum log Tirupati Balaji bhi ja rahe hain darshan karne ke liye, and uske baad hum log yahan ja rahe hain Ooty ja rahe hain Mysore and Bangalore. So we are gonna be covering all the places and we are gonna make sure कि हम लोग कोई भी चीज़ miss ना करें इस बार. और please comment section में अच्छे अच्छे खाने की जगह, famous जगह बता दो. Please. वैसे तो मैं बैंगलोर पे आया हूँ इतने साल, मेरे को तो एक ही जगह मालूम था उस साइड पे, that was the most famous road called Brigade Road. I used to be in boarding school in Bangalore, so that road was the best road to chill to, you know, that time. I don't know about today's ki aaj ke time pe kya achhi jagah hai wahan pe, but us time pe to wo best tha. Abhi main suna traffic ka ek issue hai, but Mumbai walon ko kya traffic ka issue, ab main to din is traffic se chalu hota traffic bhi khatam. Don't forget to like, share and subscribe, and please suggest nice places. Of course, please comment and let us know. Thank you so much. Please subscribe bhi kar do.